बस सुन रहे थे। तो रब्बुल इज्जत के तुम प्यारे नबी के हो दिलदार, रब्बुल इज्जत के तुम प्यारे नबी के हो दिलदार, मौला अली की तुम में सखावत हसनैन किरदार, मौला अली की तुम में सखावत हसनैन किरदार, शान तुम्हारी क्या है जान ये सारा संसार, शान तुम्हारी क्या है जान ये सारा संसार, बिगड़ी किस्मत उसकी बनी है जितनी आए इतनी देर आप बैठे, यकीनन ठंड लग रही है। मैं जानता हूँ आप और मैं हम सब हजरत इंसान है, लेकिन बर्दाश्त कर रहे फिर भी बैठे हैं, तो इंशाल्लाह क्या होगा, तो दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार। तो कैसे बैठे, तो हमारे दम में है जो दम वो दमदार का है। समझ रहे, 596 साल आपकी उम्र, समझिए 596 ईयर्स ओल्ड आपकी उम्र, 600 में 4 साल कम। और जब गौसे आजम से आप मिले थे तो उस वक्त गालिबन आपकी उम्र 350 साल थी, और गौसे पाक की उम्र गालिबन 35 या 30 साल थी, और गौसे आजम ने आपसे कहा था दादा इधर आइए। यानी गौसे पाक रजी अल्लाह तआला यकीनन वलियों के सरदार है, बात समझ रहे। हम ये नहीं कहते कि गौसे आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ा मर्तबा इनका, नहीं, क्यों, क्योंकि गौसे आजम ने फरमाया कदमी हाजी अला रकबती कुल्ली वली अल्लाह, कि मेरा कदम सारे वलियों की गर्दनों पर, समझ रहे आप। लेकिन गौसे पाक ने भी अपनी बहन हजरत ज़ैनब को जब औलाद नहीं हुई तो दुआ करवाया था जिंदा शाह मदार से।